नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं डंग डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे अंकल जी के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते नमस्ते मनीष जी, क्या हाल है बेटा? बहुत बढ़िया जी, अपने सुनाओ। बढ़िया जी बढ़िया, ऊपर वाले की कृपा है, तो टाइम पास निकल रहा है। सही है जी। तो अंकल जी सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का। मेरा नाम वैसे तो तेजेंद्र पाल सिंह डंग, वैसे कालू भाई के नाम पर फेमस हूँ यूट्यूब पे आपके। हाँ जी, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कालू भाई, कालू भाई। सही बात है जी। तो अब अपना नाम तो हो गया, एड्रेस बताओ। एड्रेस जिला श्री गंगानगर है, तहसील पहले पदमपुर थी, अब गैसिंगपुरी है तहसील है। भी और यानी कि रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड और पोस्ट ऑफिस और बड़ा गुरुद्वारा पास पास में है, पास में अपना बारह में। ठीक है जी। जी भैया। और अपने कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर 9672797719, 9641439828। ठीक है, ये जो अपने दो कॉन्टेक्ट। जी जी जी। और आज की वीडियो में अंकल जी कितनी भैंसे दिखा रहे हो? मनीष जी भैंसे तो वैसे पांच है। हाँ जी। एक की अभी टोकन मनी आ गई है। ठीक है, तो चार ही मानो। चार ही मानो, क्योंकि फिर अगला कहते हैं यार भैंस। वैसे गायें भी थी दो, वो परले फार्म पे है, पर आज भैंसों की दिखाएंगे, गायें बहने वाली है अभी। ठीक है, आज की वीडियो में चार भैंसे ही हैं। हाँ जी, चार भैंसे हैं। तो अंकल जी स्टार्टिंग रेट क्या रहने वाला है? स्टार्टिंग रेट मनीष जी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ जी। और 8 किलो दूध है, किसान के घर 9 किलो दूध के लिए, मेरे घर पे आके मन नहीं लगाया। ठीक है, दो टाइम देख ले, 6-6.5 किलो दूध तैयार है। ठीक है, अब तैयार है। तैयार है, पीछे कटड़ी बहुत टॉप की, अगर कटड़ी छोड़ता है तो 5000 की कटड़ी काट लूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग रेट बताओ क्या रहेगा? 62,000 से लेके 1,25,000 तक 500 किलोमीटर दायरे में। ठीक है, घर पहुंच। घर पहुंच। अगर कोई भाई अंकल जी बाहर से पशु खरीदना चाहता है तो दिलवा दे? आए मनीष जी, मना नहीं है। हाँ जी, वैसे आ रहे हैं लोग, हरियाणा से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, पर मैं भाइयों से माफी चाहूंगा। हाँ जी, भी अगर YouTube के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं ना, तो आए, मेरे को कोई टेंशन नहीं आने में, उनका घर रहा है, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ है। सही है। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। हाँ जी, चाहे मेरे पास आए चाहे गंगानगर किसी भाई के पास आए, भी आने को मना नहीं है। क्या आप भी अपने कटड़ू को करना चाहते हैं जवान? तो उसका एक ही है समाधान, राइट कफ। तो रोजाना अपने कटड़ू को राइट कफ 20 ml पिलाएं और उसको वजनदार और स्वस्थ बनाएं। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, 7890042000। पर जब बंदा यहाँ आके डबल माइंडेड होता है ना। हाँ जी। जैसे मान लो आज वीडियो मेरी लगी है। हाँ, मेरी हाँ। वीडियो देख के दो लोग आ गए। सही है। उनका मन नहीं टिकता, उसने तीसरी वीडियो खोल ली। सही है, उसके पास चला गया। उसके पास गया चला। सही है। अब फिर बाद में बंदे के दिमाग में रहता है, कई बंदे ऐसे भी हैं दो टाइम तीन टाइम मिल्किंग दिखाने के बाद भी यार वो कैंसिल कर दो, वो ले लो, वो छोड़ दो, वो कर लो। यार जब अपने दो टाइम मिल्किंग देख रहे हैं। हाँ जी। तो फिर छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है भाई। सही बात है जी। ठीक है, आए अपना मन ठोस बना के आए यहाँ पे, टाइम निकाल के आए। हम तो कहते हैं खुद आके विजिट करे, उससे उसके जैसी बात ही नहीं है। सही है, ऑनलाइन से तो यार ठीक है, हजार गुना बेटर है। कोई फर्क लगे छोड़ दे, कोई जबरदस्ती नहीं है। सही बात है, कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है हमारी। सही है, आए आपका घर है, पर हम कह रहे हैं अब मेरे पास आए थे थोड़े दिन पहले, हरियाणा के थे, मेरे घर से बड़ी भैंस जो आपने वीडियो लगाई थी 1-15 की। हाँ जी। वो भैंस रखी, फिर एक और रखी थी वो 2-70 वाली, फिर वो टोकन मैंने किसी की आ गई थी उनके पड़ोस में से, फिर मैंने उनको दे दी। 3-4 times मिल्किंग देख के ले गया, उनकी आत्मा खुश होगी। सही है। फिर कहीं किसी और भाई से ले ली, 4-3 और रख ली, 5-7 रखी, 2-3 लेने आए थे। कहने का मतलब मन अपने आप ही बन जाता है बंदे का जब माल अच्छा हो, माल अच्छा मिलता हो। ठीक है, हम नहीं कहते कहीं से भी लो। सही है, पर भैया प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मन बना के आए, हमें कोई टेंशन नहीं है।
क्यों, हमारा टाइम भी इतना को था हमारे पास भी। सही बात है, ठीक है, छोटे छोटे दिन है। अंकल जी बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री भगवान की कृपा है मनीष जी, बहुत टॉप के, बहुत बढ़िया है। परसों आप गाय की ज्यादा है कि भैंस की? दोनों है, बराबर है, दोनों बराबर है। ठीक है, गाय लोकल में और भैंस है जो ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन है। ठीक है, भैंस थोड़ा सा ऑनलाइन ज्यादा बिक रहा है, क्यों भैया विश्वास पे है जो है, सही है, विश्वास क्योंकि अपनी वीडियो लगभग भैंसों की लगती है। हाँ गाय की लगाई थी, गाय थोड़ा सा कम कर दिया था। हाँ जी, अब गाय क्यों गर्मी का टाइम चालू हो गया, आज तो कितनी ज्यादा धूप लग रही है, तीखी लग रही है। हाँ जी सही है, तो कहने का मतलब गाय का भी है। अब कल मन था आज लगाने का गाय का, पर दोनों सेल हो चुकी थी। ठीक है, दोनों गाय जो यहाँ पे रुकी है सेल है। जी जी ठीक है, आज भैंसे दिखाएंगे चार। हाँ जी अंकल जी, सबसे पहले नंबर पर जो ये भैंस दिखा रहे हो, मनीष जी दूसरे ब्यांत है, सींग थोड़ा सा खुला है। हाँ जी, पहले ब्यांत 15 और 16 के बीच दूध दिया है। ठीक है, पहले ही ब्यांत में 15 से 16 लीटर तक 16 किलो दूध दिया, नीचे की बहुत नवाब है। अभी मौके पे 10 हो 11 हो खीस तैयार है। ठीक है, 10 से 11 लीटर खीस तैयार है, जिनने खीस में से बिल्कुल सुबह जाके खाली कर दी है। ठीक है, खीस से पूरी खाली, पूरी खाली, बड़े बोरी सेक्टर में कुछ छोटी बैठना है। सही है, कोई भी भाई लेना चाहे खुद तसल्ली करके ले, मेरा अनुमान जहाँ तक रुकी रहेगी। हाँ जी, तो मैं लाइव मिल्किंग दिखा सकता हूँ इसको, कोई टेंशन नहीं है, अंदर ही ले लो भाई। बड़ी भैंस है, छोटी भैंस नहीं, नीचे देखो थनों का गैप खाली की हुई बिल्कुल झाड़ के मनीष। ठीक है, एक बूंद भी नहीं छोड़ी सुबह। और अंकल जी पूरी खीस से खाली है, बिल्कुल एक बूंद भी छोड़ी हो तो गारंटी है अपनी, कोई भी भाई आके ले सकता है। हाँ जी, कोई पत्ती नहीं है मेरे को, पैसा लगाना है। और आज तीसरा दिन राइड हुआ है। ठीक है, 3 दिन की भी आई, 3 दिन की इसी टाइम भी, मानो तीसरा दिन है, 2 टाइम 3 टाइम अपनी तसल्ली कर ले, हमें कोई टेंशन नहीं है, पैसा देना है। सही बात है, पूरी बंद है, ये छोटी भैंस नहीं है, बड़ी फुल साइज की भैंस है, क्योंकि ब्यांत कम है, ताजे तो बच्चे की भैंस बहुत कम, बहुत कम मिलती है मनीष, बहुत कम मिलती है। सही है, ये देखो ठोकर की भैंस है, रेशम जैसी चमड़ी है बिल्कुल, ये देखो ब्रीक चमड़ी, कहीं से भी उठा। मैं कह रहा हूँ मन खुश हो जाएगा मनीष, कोई भी लेगा ना तो मन फिर खुश होता है बंदा जब मिल्किंग करवा के दे। सही है, पूरी है जो खीस से खाली हो, खीस में से खाली है, मेरा मन नहीं था वीडियो लगाने का सच में। हाँ जी, पर मैंने कहा यार मनीष आया हुआ है, खाली जाएगा तो, क्योंकि देखो माल मालकों की कंपनी मशहूरी की है। सही बात है, ठीक है, अगर भैंस लगाएंगे लोगों को पता चलेगा भी ढंग साहब के पास कोई है। सही बात है, ठीक है, जो पारखू बंदा वो समझ जाएगा इस बात को। अनजान बंदा तो कहेगा यार 10 किलो दूध पागल है, इतना पैसा मांग रहे हैं। तो रेट फिर इसका रेट मनीष जी 125 की 500 किलोमीटर में दूंगा। ठीक है, 1,25,000 रुपए की 500 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट के साथ। खाली बिल्कुल झाड़ के एन नो बरनो की हुई है। और बच्चा क्या साथ में? बच्चा शायद मनीष कटड़ा है। ठीक है, कटड़ी, सॉरी कटड़ी, साथ में भी कटड़ी, साथ में कटड़ी, बिल्कुल झाड़ के खाली की हुई है, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। कोई भाई लेना, हाँ कोई भी भाई लेना चाहे ना, हाँ जी बुक करवा दे, अपनी 15-16 किलो की निकाल के दूंगा। ठीक है, 15 से 16 लीटर तक। हाँ, दे, हो सकता है 18 भी दे दे। हाँ जी, हो सकता है 18 भी दे दे, ऊपर वाले के हाथ में है, मैं ऐसे कह दूं, क्योंकि मालिक ने बताया 14 किलो पहले बयान दिया है। ठीक है, पहले बयान, सींग जरूर खुला है, भैंस फुल साइज की है, चोटी की फेस क्वालिटी देखो, सबसे बेटर होती है फेस क्वालिटी। सही है, ठीक है, सुंदरता मैं कहना हमारे जंगल की भैंस है, बिल्कुल जी। ठीक है, बाकी अपनी तसल्ली खुद आके कर ले, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और अंकल जी ये वाला बच्चा, ये देख लो मनीष, नाड़ुआ साथ में ही अभी। ठीक है, ठीक है, कच्चा सूंड है साथ में, बच्चे का कलर ही ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, कटड़ी पीछे है। ठीक है, साथ में कटड़ी, ये कटड़ी है, दांत दिखा दे बेटा, मुंह में दांत, ये लो दांत भी अभी नहीं हुए देख लो। ठीक है, और अंकल जी इससे आगे दूसरे नंबर पर एक और मनीष जी, दूसरे ब्याह फुल बॉडी स्ट्रक्चर में है, ये भी परसों शाम को ब्याही है। ठीक है, परसों शाम की भी, परसों शाम की भैया, फुल साइज की भैया की हाइट है, देख लो कितनी है, ठंडी भी बहुत, बिल्कुल ठंडी भैंस है, मैं कह रहा कोई भाई लेना चाहे कोई पास करके ले सकता है, खीस में से ये भी खाली हुई हुई है। ठीक है, खीस में से खाली है, मौके पे कितना खीस 11 किलो होगा, 10 से 11 किलो अपनी 2 टाइम तसल्ली कर ले, बंद सींग है, सींग थोड़ा सा ऊपर जाके खुला है। ठीक है, फुल साइज की है, छोटी भैंस ना है, बड़े देखो लंबाई देखो भैंस की, काफी बढ़िया हाइट और लेंथ है। थोड़ी सी है जो अंकल जी आपने ब्यांत दूसरा बताया, नहीं मनीष जी है दूसरे में। ठीक है, ओरिजिनल ब्यांत ये ओरिजिनल दूसरे की है, कोई तीसरे माने तो कोई टेंशन नहीं है, मान सकता है। ठीक है, मान सकता है, तभी तो मैंने कहा भाई कई लोग फिर बोलेंगे, क्योंकि अभी ले अब भैंस ने कुछ भी नहीं उठाई, ये देख लो आपके सामने है,
अभी तो खाली हुई हुई है, ऊपर देखो पेट खाली हुआ, उठे भी नहीं उठाया मैं। सही है, ले चल अंदर अंदर ले बेटा। और मैं मेरा दिल जहाँ तक अनुमान है 17-18 किलो भैंस को देना चाहिए। ठीक है 17-18 लीटर झाड़ के खाली किए, देखो सफाई देखो नीचे की, बिल्कुल काफी बढ़िया आड़ रहा है भाई। और अंकल जी दूध कितना तक दे देगी? दूध यार मनीष जी जैसे भैंस है ना, भैंस का रुतबा है। हाँ जी, मेरा दिल कहता है 18 किलो भैंस को 17-18 किलो देना चाहिए। बिल्कुल रेशम जैसी चमड़ी है, बिल्कुल दूध वाली नस्ल है ये देखो, बिल्कुल पतली चमड़ी और पूरी बड़ी है। दूध 1 किलो कम दे दे। हाँ जी, पर शांत स्वभाव होना चाहिए। ये देखो भैंसे बहुत देखी होगी आपने। सही है, गाय के तो नीचे हर कोई बैठ जाता है। मैं कह रहा हूँ भैंस है, बहुत मीठी भैंस है। सही है, चाहे बच्चे के बगैर दूध हो। और नाड़ुआ साथ में आज 2.5 दिन हुए हैं भाई को। और बच्चा क्या साथ में? बच्चा शहर कटड़ी कटड़ा बेटा, कटड़ा। ये देखो ठीक है, ये बड़ा कटड़ा साथ, इधर थोड़ा साइड हो। ये देखो कच्चा सूंड है, वो भी कच्चा सूंड। ये दिखाना बेटा दांत, दिखा दांत इनको भी नहीं दिखा दे चल। ये देखो ये देखो, ठीक है अभी दांत भी नहीं आए यार मनीष। सही है, झूठ मार के तो धंधा ही नहीं करना। बिल्कुल जी, चाहे 1000-2000 कम बेच लेंगे ठीक है, झूठ वाला धंधा ही नहीं करेंगे। सही बात है, लोग कहते हैं यार डंग साहब आप रेट ज्यादा लगाते हो। भैया माफी चाहता हूँ, ब्यांत खत्म हो चुका है। सही है, अब 10-15 हम भी किसान से ऊपर ले रहे हैं भैंस। सही है, हाँ गाय का ब्यांत खुल जाएगा, गाय मंदी हो जाएगी। ठीक है, गाय आगे से मंदी होगी। हाँ गाय मंदी होगी, 5-7-10 हजार मंदी होगी। ठीक, बहुत मीठी भैंस है, घर 100 भैंसों में से 1 भैंस निकलती है ऐसी। और अंकल जी रेट इसका? मनीष जी मोल तो क्या बताऊं, मन तो बहुत ऊंची बेचने का था। ठीक है, पर 1,15,000 में भैंस दे देंगे। ठीक है, मान सम्मान भी होगा उसमें। मान सम्मान कर देंगे मनीष, आपने बोला है तो 1,000-2,000 और छोड़ दूंगा। ठीक है, 2,000 नहीं 5,000 छोड़ना पड़ेगा। 13-13 कर दूंगा। ठीक है, 13 हो जाएगी, 13 कर देंगे बाबे नानक की तरह। 1,15 मोल 1,13 की दूंगा। ठीक है, घर पहुंच, घर पहुंच 500 किलोमीटर में, बहुत ठंडे दोनों तरफ बैठ के दूध लो लो, दोनों तरफ बैठ जाओ, चाहे ये नहीं है भी भैंस टांग भी उठा जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ बैठ, मालिक ने बताया दोनों तरफ बैठ के दूटे थे। ठीक है जी, मन। और अंकल जी इससे मनीष जी बुलबुल का बच्चा। ठीक है, हाइट तो थोड़ी मीडियम नॉर्मल है, कोई सोचे बड़ी हाइट की है, बड़ी नहीं नॉर्मल, पर जितनी भी है ना, जितनी भी कह लो। हाँ जी, उतनी सफाई है कटिया में, साफ सुथरी है, खीरी है, गोंद के दांत उखाड़ रही है। ठीक है, दो वाले दांत निकाल, दो वाले दांत अभी निकाल रही है। ये भी बहुत गरीब भैंस है, ये भी परसों शाम को भेजी है, सॉरी कल शाम को भेजी नहीं, परसों शाम को। ये भी बहुत ठंड है, बहुत ठंडी भैंस है, पहले ब्यांत है, दो ही दांत है, बंद सिंह है, जादवाद बहुत है भैंस में, इसके जैसी भैंस बिल्कुल 1,25,000 की बिची है। ठीक है, थोड़ी सी इसकी हाइट छोटी आ गई है, हाइट छोटी है, खीस में से खाली हुई है। ठीक है, ये भी झाड़ के खाली की हुई है, अभी मौके पे मनीष 6-7 किलो के बीच खीस तैयार है। तो दूध कितना तक दे दे? 11 किलो मनीष, मेरा दिल कह रहा है भी दूध देना चाहिए 13 किलो इसको। ठीक है, 13 और 14 के बीच देना चाहिए, अभी तो देख लो इसने भी कुख्खे उठाई। हाँ जी, इसने भी अंदर ले बेटा, इसने भी कुख्खे नहीं उठाई भैंस ने, अभी तो खार की कटिया जाके 1 महीने पे बनती है। और बच्चा क्या दिया साथ में? कटड़ा है ना, कटड़ा पीछे, उसको भी दिखाएंगे कटड़ा भी आपको। अभी मनीष जी 6 किलो खीस निकाल रही है ना भैंस। हाँ जी, तो समझ लो वो दूध 14 किलो भी निकाल देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खार की कटिया तो खा के तैयार होती है। सही है, ठंड भी पूरा जो मुट्ठी बड़ा, मुट्ठी बड़ा मीठी बहुत है बेटा, बैठना। रेट, रेट वैसे मन तो 77 का था। हाँ जी, 75,000 की 500 किलोमीटर में पहुंच करवा देंगे। ठीक है, 75,000 रुपए की घर पहुंच। दो ही दांत है। ठीक है, दो दांत, दो दांत, फेस क्वालिटी सुंदरता देखो, काफी बढ़िया। मैं कह रहा हूँ कोई भाई अगर अच्छे से एक पशु रखना चाह रहे हैं ना, आम के आम गुठलियों का दाम 1.5 लाख की बिकेगी अगले साल। ठीक है, और बच्चा कौन सा साथ में? ये रहा कच्चा बच्चा, ये रहा, ये देखो बिल्कुल है जो ताजी भी है। ये भी ये लो, इसके दांत दिखा लो, ले अभी दांत ही नहीं आए। ठीक है, ले ले ये देख लो, बिल्कुल कच्ची भी है, कच्ची तीनों भैंसे कच्ची है आज। सही है, कोई झूठ बड़ा धंधा नहीं है। हाँ ये भी आई हुई है, ये भी आई है 3.5 और 4 के बीच होगी भी आई। ठीक है, 4 महीने की मानो। कटड़ी पीछे है, वहां से मालिक के घर से 9 किलो निकाल के लेके आया था। ठीक है, मेरे घर पे अभी 8 किलो हो, 6 हो 7 हो, मैंने नहीं अभी दुआ। ठीक है, कब आज आई? हाँ कल शाम को आके, मन ही नहीं लगाया मनीष इसने। ठीक है, ऊंटे पे घूम रही है,
बंद सिंह ये भी दो दांत है, ठीक है, ये भी मुंह से दो दांत, दो दांत ओनली फॉर 62,000 में 500 किलोमीटर में दे देंगे, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, चेक पास है, 62,000 रुपए घर पहुंच। हाँ 62,000 में चेक पास कोई भी भाई लेना चाहे तसल्ली करके दे सकता है, ठीक है, चेक पास भी करवा देंगे, पास करवा के देंगे, तो की नहीं जा पाएंगे। और रेट इसका 62,000 रुपए, अगर कोई भाई यहाँ से खरीदेगा तो कितने की दे दो? ये दे देंगे अपने 5 कम कर दो, 57,000 की दे, 56 की दे देंगे, और बताओ यहाँ लेगा तो, ठीक है, 56,000 हमारा है तो हाइट बॉडी वेट बहुत है, सही है ये तो यार मनीष जी, मान लो 5-6 तो किराया निकल गया, पीछे कह रहे कोई भाई संभालने वाला हो तो तकरीबन 1.5 लाख की है, सही है, और दो ही दांत है, सबसे बेटर ये देख फेस क्वालिटी देख लिया का, काफी बढ़िया फेस क्वालिटी है, ये देखो सींग ही छोटा है, सींग बिल्कुल लंबेड़ देख, बूथी देख बिल्कुल ब्रीक चमड़ी की है, और साथ में भी कटड़ी है ना, कटड़ी पीछे कटड़ी को छोड़े 5,000 की कटड़ी रख लूंगा, अंदर ले अंदर, ठीक है कटड़ी भी आप रख लोगे, 5,000 की कटड़ी रख लूंगा, आके मनीष जी एक बार भैंस उतरती है, ये तो सभी को ध्यान है, आके फंदी लगाता है ना पशु, सही है, तो फिर मन दुखता है बिल्कुल, और ये वाला बच्चा साथ में कटड़ी, ये कटड़ी है मनीष, ठीक है ये वाली कटड़ी, ये कटड़ी कोई भाई लेना चाहे अपनी मिल्किंग करवा ले, अपना डॉक्टर साथ में ले आए चेक करवा ले, यहाँ करवा ले उसके घर की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, यहाँ करवा ले अपना डॉक्टर ले आए, अगर पारखू बंद है तो वैसे ही देख के बता देगा, सही है, ठीक है, मेरे घर पे मैं तसल्ली करवा दूंगा, उसके घर की गारंटी नहीं दूंगा, किसी के घर की कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मनीष जी देखो उसने गरम दाना डाल दिया तो बच्चा फेंक दिया तो फिर काम गलत, सही है, ठीक है, चौआई बहुत लगी है, मैं कह रहा हूँ 100 में से 1 भैंस की लगी होती है, ठीक है बिल्कुल नरम है, डी फ्रिज है, ठीक है, जब बच्चा छोड़ो तुरंत उतर जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई तोकड़ भी आई तब बच्चा नहीं लेती, ये गलत काम नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी निकल जाएगी, सही है, मान ले अगर 57 की दे रहा हूँ तो 50 की तो कटड़े वाले को बेच लूंगा, बिल्कुल जी 5-6 हजार लगने हैं, मैं क्यों लोगों से गाली लूं सुबह शाम, हाँ सही बात है, बिना दूध ना भी देती हो तो आप बॉडी वेट देखो, मेरी हाइट देखो कितनी है और भैंस की देखो, सही है आपकी 6 फीट हाइट है लगभग, तो फिर 5 फुट की हाइट की कटी है, सही है, तो भाव क्या दे रहा हूँ, ये तो कहते गॉड गिफ्ट है, सही है, किसानों का फायदा ही है, कोई भी भाई लेना चाहे, एक तो मन्नी लगाए थे कुखे बड़ी ने बीच में, हाँ जी हाँ जी, देखो दाना भी आगे पड़ा होगा, खा ही नहीं रही, ठीक है कुछ नहीं खा रही, हाँ अब मन लगाया है कुछ, ठीक है तो बढ़िया है।